गुजरात को मोदी पूजा उपहार सूरत सहर को आहुरी विकसित करने को लक्ष्य मोदी देले सूरत को 3400 कोटी टंकार प्रकल्प विकास शिखर में गुजरात डबल इंजन सरकार राज्य विकास पाई गुजरात सरकार को कले प्रशंसा गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में 3400 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्प शिलान्यास और उद्घाटन कर गुजरात डबल इंजन सरकार को प्रशंसा कर सूरत में पहुंचा बेले असंख्य जनता अभिनंदन जनाइले आयोजित राली रे जनसाधारण को उद्बोधन दे प्रधानमंत्री मोदी कहिले गुजरात में डबल इंजन सरकार गठन करा घर तैयारी द्रुत वेगरे वृद्धि पाउची यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है और इसका लाभ यहां हर व्यापार कारोबार को हो रहा है। एक मोदी कहते सूरत में गरीब और मध्यवित्त श्रेणी को अन्य सुविधा जोगाई दिया जा आयुष्मान भारत योजना रे एजावत देश में प्राय 4 कोटी गरीब रोगी मागणा चिकित्सित होती से गुजरात में 32 लक्ष होता बेले 1.25 लक्ष होती सूरत बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं साथ क्योंकि हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। इसी सेवा भाव के कारण ही इतना प्यार इतना आशीर्वाद निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है बढ़ता ही चला जा रहा है। नवरात्रि चलता बेले गुजरात में भित्तिभूमि क्रीड़ा एवं आध्यात्मिक स्थली भित्तिप्रस्तर स्थापन करने सुजोग पाई सूरत हेउची जनभागीदारी और एकतार बड़ उदाहरण समग्र भारत आसीथिबा लोके सूरत रे बास करती सूरत हेउची क्षुद्र भारत। साथियों सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जनभागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है ये शहर सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं और सबसे बड़ी बात जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। गुरुवार और शुक्रवार दिन प्रधानमंत्री अहमदाबाद गांधीनगर सूरत भवनगर एवं अंबाजी गस्तर कार्यक्रम रही इस समय से केतक प्रकल्प शिलान्यास करेंगे अथवा अनेक प्रकल्प उद्घाटन करेंगे। रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।